हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मम्मी बनाने वाली हैं एंटी हेयर फॉल मतलब तेल जो है, क्योंकि मेरे बालों में हो गया था बहुत ज़्यादा ही डैंड्रफ और बाल झड़ने लग गए थे। तो मम्मी से चलो जानते हैं इसमें क्या क्या डाला है उन्होंने। तो मम्मी आप बताएंगी। इसमें यूज़ करना है, ये तो लोहे की कढ़ाई है, लोहे की कढ़ाई में बनाए तो ज़्यादातर अच्छा रहेगा, नहीं हो तो फिर और भी कोई चल सकती है। और इसमें ये कड़ी पत्ता है, ये कलौंजी है, ये मेथी दाना है, ये लौंग, चार पांच लौंग ले लीजिए, चार पांच बादाम और दो चार लहसुन की कली, और ये छोटा मीडियम प्याज, आंवला, मेहंदी पाउडर और ये नींबू, ये एलोवेरा। और इसमें ये तीन तरह का तेल लेना होगा, एक तो सरसों का तेल है और ये जैतून का और एक नारियल का, इसमें तीनों, जिससे हम इस एक ही नाप से लेंगे तीनों का। और ये है गुड़हल के फूल, हो तो फूल और अच्छे रहेंगे, नहीं फूल नहीं तो पत्ती ले लीजिए। ये सामग्री हमें लेनी है। बादाम को थोड़ा सा दरदरा कूट के डाल दिया है, लहसुन प्याज दरदरा सा कूट के, अब इस गैस को ऑन कर देंगे और एकदम स्लो गैस पे इसे पकने देंगे। कितनी देर तक? ये 5 से 7 मिनट, 10 मिनट तक बस, 20 मिनट के बाद देखेंगे। और यहाँ पे ये क्या रखा है? ये मेहंदी और कपूर है, मेहंदी गैस बंद करेंगे तब डलेगी और कपूर एकदम ठंडा हो जाएगा तब पड़ेगा। कपूर से क्या है डैंड्रफ। अब मम्मी इसमें ऐड कर देंगे मेहंदी। चुका है रेडी, अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बस यहाँ पे तेल बन के हो चुका है रेडी, और मम्मी से जानते हैं कि मम्मी इसको यूज कैसे कैसे करना है। इससे या तो सिर धो ना, उस दिन रात को नाइट में लगा के सो जाओ। हफ्ते में कितनी बार? हफ्ते में 2 बार लगा लो, 2 बार काफी है। और हमारे यहाँ इसके अलावा और कोई डिब्बा नहीं था, हमने इसमें स्टोर कर दिया। और फिर तो कोई और कोई वो नहीं था, मतलब इसमें आप इसको किसी में भी स्टोर करके रख सकते हो और लॉन्ग टाइम तक ये खराब नहीं होगा वगैरह। तो चलिए जरूर ट्राई करना ये रेसिपी, कैसी लगी आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।